गाइस ये गैजेट फुल्ली ऑटोमेटिक है, लेकिन ये गैजेट सच में काम करेगा? लेट्स ट्राई इट। हां जी, क्या हालचाल आप सभी का। तो चलिए आज भी हम टॉप 5 बेस्ट यूनिक गैजेट की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कौन सा गैजेट सबसे बेहतरीन है। लेकिन हम इतना ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोग एक काम नहीं करते हैं, वो है सब्सक्राइब। दोस्तों अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों का सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है। चलिए हम इन सारे गैजेट को साइड में रखते हैं। ये रहा हमारा सबसे पहला गैजेट और ये मल्टीमीडिया स्पीकर विद ऑक्स एक्टिविटी है और ये मेनली जेब्रोनिक कंपनी का है। और इस स्पीकर का बेसिक फीचर जेब्रोनिक 2.0 स्पीकर जेब ब्लूटूथ, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यूएसबी पावर्ड और ऑक्स और वॉल्यूम कंट्रोल सारे फीचर इसमें अवेलेबल है। और भी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया जाए, बॉक्स में बहुत सारा चीजें दिया गया है और ये स्पीकर काफी ज्यादा सस्ते में आ गए। अभी चलिए फटाफट निकल के देख लेते हैं इसके अंदर है क्या चीज। वो अमेजिंग। सबसे पहले तो हमें यूएसबी और ऑक्स दोनों ही मिल जाता है, लेकिन ये वायर से कनेक्टेड है। चलिए हम दोनों स्पीकर्स को निकाल लेते हैं। और ये रहा हमारा पहला स्पीकर और ये रहा हमारा दूसरा स्पीकर। दोनों ही अच्छी तरह से पैकिंग आ गए हैं और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। चलिए हम स्पीकर को देख लेते हैं। और ये रहा हमारा पहला स्पीकर, कुछ इस तरह से दिखेगा और आप इस तरह से आप रख पाओगे। चलिए दूसरा स्पीकर, और ये अटक चुका है, कोई बात नहीं। सो ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। दो स्पीकर वायर से कनेक्टेड है, साथ ही साथ वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाता है, साथ ही साथ ऑक्स और यूएसबी केबल दोनों ही मिल जाता है और वायर से फुल्ली कनेक्टेड है। और इस स्पीकर का बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ा है। चलिए अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम यूएसबी और ऑक्स को दोनों ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों स्पीकर लैपटॉप में तो एकदम बिल्कुल सही तरह से एंड नीट एंड क्लियर काम कर रहा था। और इसका बेस क्वालिटी और साउंड क्वालिटी दोनों ही सही है प्राइस की कंपैरिजन में। 300 रुपीज में भाई बच्चे का जान लोगे क्या। और इस स्पीकर को मैं मोबाइल में कनेक्ट करके देखा ओटीजी लगा के, बट ये काम नहीं किया। तो ये बेसिकली लैपटॉप के लिए सही है। अगर लैपटॉप में स्पीकर क्वालिटी सही नहीं है, ऑब्वियसली साउंड क्वालिटी सही नहीं होता है, तो लैपटॉप के लिए अगर इस स्पीकर को लाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। सो इस स्पीकर का प्राइस मैक्सिमम 300 रुपीज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और इसका प्राइस 260 रुपीज भी गया था। तो अगर आप लोग इस स्पीकर को कंसिडर करना चाहते हो तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। अभी चलिए नेक्स्ट गैजेट की ओर मूव कर। और ये रहा इस वीडियो गैजेट, और ये गैजेट भी अल्टीमेट गैजेट है। दोस्तों आप लोगों ने 5-10 रुपीज का इरेजर देखे होंगे, लेकिन आपने 200 रुपीज का इरेजर देखे हो, कोई बात नहीं। आज आप लोगों को एक इलेक्ट्रिक इरेजर दिखाऊंगा जिसका प्राइस है 200 रुपीज। और ये गैजेट एक्चुअल में काम करता है या नहीं हम देखते हैं। सो ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, बट उससे पहले हमें इसके अंदर सेल डालना होगा, क्योंकि सेल पे ही चलता है। गाइस इस गैजेट के साथ साथ हमें 2 रिफिल भी मिल जाता है, और ये दोनों रिफिल 2 साइज का है, साथ में एक एडजस्टर भी मिल जाता है, तो हमें इसका जरूरत नहीं है। इसको कैसे चलाते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सेल डालना होगा जो इसके पीछे डालेगा, और ये सेल डाल दिया और इस ढक्कन को हम लगा देते हैं, और अभी हम इसका चला सकते हैं। चलता है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। स्विच को दबाते हैं, ओ भाई ये तो चल रहा है। चलने से कुछ नहीं होगा, हम इरेज करके देखते हैं एक्चुअल में इरेज कर पाते हैं या नहीं। तो हमने कुछ लिख दिया। अभी इस गैजेट को चलाने के लिए एक स्विच मिल जाता है, स्विच को दबाने पे ही इरेजर काफी तेजी से घूमने लगेगा। चलो अभी हम ट्राई करते हैं, और ये देख सकते हो भाई ये तो काफी तेजी से घूम रहा है, बट इरेज करने में काफी टाइम लग रहा है। हाँ यार इरेज तो कर रहा है, बट ये सही तरह से नहीं कर रहा है। इरेज तो कर लेगा वैसे। सो गाइस ये देख सकते हो इरेज तो पूरा कर चुका है। देखो गाइस इरेज तो कर लेता है, बट वैसा वाला फीलिंग्स नहीं है जो 5 रुपीज वाला में आता है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उससे बढ़िया तो 5 रुपीज वाला ही है। सो ये गैजेट मुझे ठीक ठाक ही लगा। अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो, आपका बाप का अगर पैसा है तो खरीद सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया। अगर आप लोग को पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अभी एक बात जो आपको पहले ही बोलना था, मैंने इस तरह के डिस्काउंट में कैसे परचेस करता हूँ। देखो दोस्तों मैं आप लोग को बोला था एक ट्रिक्स है। देखो ये ट्रिक ऐसा है दोस्तों, इस तरह की हैवी लाइटनिंग डील में एक टेलीग्राम से परचेस करता हूँ, जो इस टेलीग्राम का ओनर बहुत सारा हैवी लाइटनिंग डील, बहुत सारा गैजेट देते रहता है। इवन गाइस बहुत सारा अदर प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस तरह की हैवी डिस्काउंट में प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख, टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हो @hotdealforyou। बस आपको इस चैनल को ज्वाइन करके रखना है, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आके ज्वाइन हो जाइए। तो इस टेलीग्राम का एडमिन जो भी ऑफर्स आते हैं बहुत हाईली डिस्काउंट में आते हैं, तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली गाइस परचेस कर पाओगे। ये रहा इस वीडियो का नेक्स्ट गैजेट, दाग देने वाला मशीन। दोस्तों अगर आप लोग किसी चीज में परमानेंट मार्क करके रखना चाहते हो तो इस गैजेट को आप यूज कर सकते हो, काफी इजीली और स्मूथली मार्क करके रख सकते हो।
किसी भी टाइप का मेटल, वुड या फिर ग्लास में आप मार्क कर सकते हो। साथ में हमें इस गैजेट में दूसरा मार्कर भी मिल जाता है जिससे आप यूजेस के अकॉर्डिंग यूज कर पाओगे। सो फटाफट से निकाल लेते हैं हम इस गैजेट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। इसको यूज करने के लिए हमें दो सेल की जरूरत होगा जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, हमें डालना ही होगा। ये रहा दूसरा मार्कर। इसको चेंज करने के लिए दो मार्कर हमें मिल जाता है आपके अकॉर्डिंग यूज करना जिसका जरूरत है। सबसे पहले सेल डाल लेता हूँ, इसको खोल लेता हूँ। इसको खोलना होता है और खोलने के बाद यहाँ पे सेल डालेगा। सेल डालने के बाद कुछ इस तरह से लगा देना है और लगाने के बाद बस यूज कर सकते हो। हमें इस गैजेट में एक स्विच मिल जाता है, इस स्विच से इस गैजेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी दोस्तों इस गैजेट से आप किसी भी मेटल में मार्क कर सकते हो। सो अगर आप लोग इस गैजेट से किसी कास्ट में मार्क करना चाहते हो, कुछ इस तरह से मार्क कर सकते हो, तो इस गैजेट से आप स्मूथली मार्क कर सकते हो। इवन गाइस वुड में भी मार्क कर सकते हो और स्मूथली कुछ भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। तो देखा जाए तो लगभग ये गैजेट भी यूजफुल है। अगर आप लोगों की जरूरत है सो इस गैजेट को भी परचेस कर सकते हो। अभी दोस्तों फाइनल काम, वीडियो का फिनिशिंग। तो इस वीडियो में आपको कौन सा गैजेट काफी यूजफुल लगा जरूर एक बार कमेंट करके बताना, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए गैजेट लेके आऊंगा। साथ में मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों को किस टाइप की गैजेट की जरूरत है। अभी दोस्तों फाइनल टास्क, जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू में बताया था, इतना सस्ता गैजेट मैं कहां से मंगवाता हूं। देखो दोस्तों इसका भी एक ट्रिक है। बेसिकली दोस्तों इन सारे गैजेट को तो मैं अमेज़न से ही ज्यादातर मंगवाता हूं, तो इस तरह की हाईली डिस्काउंटेड डील बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए चलते रहता है। तो अगर आप लोग इस कि हाईली डिस्काउंटेड डील मंगवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सर्च करके भी आ सकते हो। चैनल का नाम है हॉट डील फॉर यू। सो इस टेलीग्राम चैनल में बहुत सारा हाईली डिस्काउंटेड डील शेयर किया जाता है, बहुत सारा गैजेट, बहुत सारा ग्रोसरीज, बहुत सारा एक्सेसरीज। तो अगर आप लोग इस तरह की हाईली डिस्काउंटेड डील मंगवाना चाहते हो तो आके ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारा हाईली डिस्काउंटेड डील मिलता रहेगा डेली बेसिस पे। दोस्तों खुद आके आप लोग चेक कर लीजिए, यहाँ पे 1000 रुपीज का सामान 200 रुपीज में, 500 रुपीज का सामान 100 रुपीज में, इस तरह के बहुत सारा हेवी डिस्काउंटेड डील चलते रहता है। तो अगर आप लोग मंगवाना चाहते हो टेलीग्राम चैनल में आके ज्वाइन हो जाए, आपको डेफिनेटली गाइस प्रॉफिट होगा। सो इस तरह से बहुत सारा डील 80-90% डिस्काउंट में मंगवा लेता हूँ जैसे ऑफर आते हैं। तो अगर आप लोग भी मंगवाना चाहते हो डेफिनेटली आके ज्वाइन करके रखिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और ये रहा इस वीडियो का नेक्स्ट गैजेट, और ये गैजेट पर्सनल यूज के लिए गया, बट उससे पहले हम चेक करते हैं ये कितना काम का है। कटर कहाँ है? ये रहा, मिल गया। ये लास्ट वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में काम आ गया। काफी यूजफुल गैजेट है, नहीं? चलो फटाफट निकाल लेते हैं। भाई काफी धार है यार, साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा गैजेट, यूज कैसे करेंगे पे? वाव अमेजिंग। बट यूज करने के बाद ही पता चलेगा ये कितना अमेजिंग है। तो गाइस ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये तीन पार्ट है हमारा गैजेट मिल जाता है। तो हम इस गैजेट को कैसे यूज कर सकते हैं? सो बेसिकली गाइस ये जूस मेकर है और हम काफी जगह में इस गैजेट को यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कप मिल जाता है, इसको जार भी बोल सकते हो, और ये कप भी है साथ में जूस मेकर भी है। यहाँ पे बहुत सारा थ्रेड्स वगैरह है और यहाँ पे भी काफी सारा थ्रेड्स है, साथ में नेट्स भी है। और गाइस जूस मेकिंग के लिए हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। दो तरीके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक तो ऑरेंज वगैरह जूस करने के लिए और दूसरा तरीके से एनी टाइप का फ्रूट जूस कर सकते हो। और जैसे कि मैं पहले ही बोला था, इस गैजेट को एज ए कप भी यूज कर सकते हो। इस ढक्कन को ओपन करने के बाद देखो, ये एक कप की तरह भी यूज कर सकते हो। इवन गाइस जूस भी यहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ पे जितना भी पार्ट्स देख पा रहे हो सारे यूजेबल पार्ट्स है। तो फटाफट हम अभी जूस करके देखते हैं ये जूस मेकिंग करता है या नहीं। सो हमने थोड़ा सा पाइनएप्पल काट के, आइए देखते हैं जूस बनता है कि नहीं। सबसे पहले हम इस पार्ट को लेंगे और इस पार्ट को इस तरह से रखना होगा और यहाँ पे फ्रूट्स रखेंगे और इस पार्ट से प्रेस करना होगा। देखो ये मशीन नहीं है, थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा। जूस तो बन रहा है, अभी तो जूस शॉप में जाना नहीं पड़ेगा। चल भाई एक जूस शॉप खोल लेते हैं। भाई सोचा था यूट्यूबर बनूंगा बट सब्सक्राइबर तो आ नहीं रहा, अभी जूस शॉप ही खोलना पड़ेगा। भाई बहुत सही गैजेट है यार, कितना निकल गया? 150 ml। ये खा सकते है क्या? हाँ ये भी तो खा सकते हैं। शाबाश बेटा, देख सकते हो पूरा 150 ml निकाल चुका है। वीडियो बाद में बनेगा, पहले खा पी लेते, मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा आप भी पी लो,
सो गाइज ये गैजेट तो मुझे यूजफुल लगा, जूस तो बना लेता है कभी कभार, तो महंगा महंगा गैजेट भी जूस नहीं बना पाता, बट ये सस्ता गैजेट काफी अच्छी तरीके से जूस बना दिया है। और गाइज अगर आप लोग ऑरेंज वगैरह की जूस बनाना चाहते हो बस इस पार्ट को यूज करना और इस पार्ट को यहाँ पे रख देना है कुछ इस तरह से। तो गाइज ये गैजेट मुझे अल्टीमेट लेवल का लगा, अगर आप लोग बाई करना चाहते हो डेफिनेटली बाई कर सकते हो, बहुत ही सस्ते में ये गैजेट आ जाएगा। दोस्तों ये गैजेट आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। अमेजोन पे बहुत सारा गैजेट मैं सर्च कर रहा था और सर्च करते करते ये गैजेट मिल गया। बेसिकली ये गैजेट तो है नहीं, होम डेकोर के लिए बहुत सही चीज है। चलो फटाफट निकाल लेता हूँ। गाइज ये रहा हमारा ये गैजेट। अभी दोस्तों आप लोग पूछोगे भाई ये कैसा गैजेट है, लेकिन गाइज ये गैजेट आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करोगे। बेसिकली दोस्तों ये स्विच स्टिकर है। गाइज इस पेपर के अंदर टोटल 320 डिफरेंट टाइप की स्टिकर्स है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप की स्विच में ये स्टिकर को यूज कर सकते हो। गाइज ये स्टिकर सीनियर सिटीजन के लिए या फिर किड्स के लिए बेस्ट है। भाई एक पेपर के अंदर इतना सारा स्टिकर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफी सारा स्टिकर्स है, जैसे कि लाइट्स के लिए, फैंस के लिए, प्लग्स के लिए, इवन गाइस एसी वगैरह के लिए भी बहुत सारा स्टिकर्स मिल जाता है। और एक चीज यहाँ पे देख सकते हो एमसीबी के लिए भी दिया गया है, तो आपको पता भी चल जाएगा बेडरूम के लिए एमसीबी कौन सा है, किचन के लिए एमसीबी कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा स्टिकर्स है और आप इस गैजेट को काफी जगह में यूज कर सकते हो। भाई अमेजोन में एक यूनिक चीज मिला बहुत दिनों बाद, तो ये गैजेट मुझे काफी पसंद आया। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ये गैजेट कौन कौन यूज करने वाला है वो भी कमेंट कर देना। और ये रहा हमारा नेक्स्ट गैजेट और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। चलिए दोस्तों फटाफट निकाल के दिखा देते हैं इस गैजेट का क्या काम है। वाओ अमेजिंग वो। सो ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है और इस बॉक्स के अंदर अलग कुछ नहीं है, सबके सारे के सारे चीज इस गैजेट के अंदर है। और ये गैजेट पर्सनल यूज के लिए लाया, तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है यार। अभी दोस्तों इस गैजेट का काम क्या है, बेसिकली दोस्तों ये एयर मैटिक किट है और दोस्तों ये गोदरेज कंपनी का है, और इसके अंदर क्या क्या चीज है मैं फटाफट से बता देता हूँ। तो गाइस इस गैजेट का सबसे पहले हमें फ्रंट साइड मिल जाता है जहाँ से स्प्रे होगा, और जैसे ही हम इसको मूव करेंगे इसमें पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, साथ ही साथ कंट्रोल्स भी मिल जाता है। और यहाँ पे एक लॉकर दिया गया है, इस लॉकर को जैसे आप ओपन करोगे इस गैजेट का सारी चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें दो सेल की जरूरत होगा जो ऑलरेडी इंसर्टेड रहेगा, और नीचे रिफिल रहेगा स्प्रे का, और इसको आप रिफिल भी कर सकते हो। अगर आप नया मंगवाना चाहते हो नया भी मंगवा सकते हो। तो बेसिकली इस गैजेट में इतना सा ही चीजें मिलता है, और इसको इस तरह से लॉक करके रखना होता है, पीछे की तरफ हैंग करने के लिए भी जगह मिल जाता है, और आप इस गैजेट को आप टेबल पे भी रख सकते हो, इवन अगर आप कुछ जगह है उसी जगह पे रख सकते हो। चलिए अभी हम इस गैजेट को चला के भी दिखा देते हैं। सो हमें इस गैजेट में एक बटन मिल जाता है ऑन ऑफ का, साथ में हमें कंट्रोल्स भी मिल जाता है कि कितना मिनट पे रखना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 10 मिनट्स, 20 मिनट्स और 40 मिनट्स पे रख सकते हो, मतलब जहां पे आप सेट करेंगे उतना टाइम पे ही दोबारा स्प्रे करेगा। तो पहला स्प्रे तो 2 सेकंड बाद ही कर देगा, और दूसरा स्प्रे करेगा जितना मिनट पे आप सेट करोगे। सो जैसे कि हम अभी 10 मिनट्स पे रखेंगे और एक इंडिकेट भी करेगा कि आपने इसको ऑन कर दिया, तो आप देख सकते हो इसको हम इधर रखते हैं और देखोगे 10 सेकंड के बाद एक स्प्रे ऑटोमेटिक करेगा, ये देख सकते हो एक बार स्प्रे कर चुका है। सो गाइस ये गैजेट मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगा, अगर आप लोग अपने घर के लिए या फिर ऑफिस के लिए लाना चाहते हो तो डेफिनेटली गाइस इस गैजेट को आप एक बार कंसीडर कर सकते हो। और जैसे कि मैं पहले ही बताया इस गैजेट को मैंने पर्सनल यूज के लिए लिया। गाइस घर में तो बहुत सारा स्प्रे है, बट एक बार स्प्रे करने के बाद दोबारा स्प्रे करना ही भूल जाता है, लेकिन अगर हमारे पास ये गैजेट होगा ना, किसी को पूछने की भी या फिर किसी को स्प्रे करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये गैजेट ऑटोमेटिकली स्प्रे करते रहेगा। और इस गैजेट का एक अच्छी बात, कंपनी का दावा है 2200 टाइम ये स्प्रे करेगा एक बार रिफिल करने के बाद, मतलब लगभग 60 डे आराम से चल जाएगा एक स्प्रे में। तो बस अगर आप लोग लाना चाहते हो मैं सारे चीज दिल खोल के बता दिया, आप लोग इस गैजेट को एक बार जरूर कंसीडर कर सकते हो अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए। चलिए अभी नेक्स्ट गैजेट की ओर मूव करते हैं, और इस गैजेट को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। गाइस अगर आप इस गैजेट को हैंग करके रखोगे ना, इस बेज को ओपन करके रख देना, तो आप किसी जगह पे इस तरह से हैंग करके रख सकते हो। अगर आप किसी जगह में रखोगे तो इस बेज को लगा देना, बस इस तरह से प्लेस कर देना, बस बिंदास आराम से ये स्प्रे करते रहे। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट दोस्तों, ये गैजेट आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। गाइस आप लोगों ने बहुत सारा क्लॉक देखे होंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक अतरंगी क्लॉक दिखाने वाला हूँ जो कि प्रोजेक्ट करता है। दोस्तों टाइम देखने के लिए क्लॉक में देखना नहीं होगा, बस हवा में देखो आपको टाइम पता चल जाएगा। ये क्या है? सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट ओपन इट। भाई ये तो जबरदस्त गैजेट है, ये तो स्टार वार के रोबोट की तरह लग रहा है। मस्त
अरे ये तो घूम रहा है। ये है इस गैजेट का प्रोजेक्टर। इस प्रोजेक्टर की वजह से टाइम ऊपर दिखाई देगा और इस क्लॉक का डिस्प्ले भी है। विदाउट प्रोजेक्टर भी आप टाइम इस डिस्प्ले में देख सकते हो। इस गैजेट में चार बटन देखने को मिल जाता है, एक आवर के लिए, एक मिनट के लिए और एक मोड बटन दिया गया है और एक स्पीकर के लिए स्विच भी मिल जाता है। यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाएगा जो टाइम एंड टेम्परेचर स्पीकर में सुनाई देगा और आप इस क्लॉक को डीसी से भी चला सकते हो, लेकिन हमें कोई वायर नहीं मिला। या फिर आप इस गैजेट को तीन सेल से भी चला सकते हो। जैसे बैटरी इंसर्ट करोगे टाइम शो हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे प्रोजेक्टर भी ऑन हो जाएगा। अभी ये प्रोजेक्टर तो काम कर रहा है बट ये दिन की वजह से प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा है। जब रात हो जाएगा ऑटोमेटिक ये प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ टाइम शो हो जाएगा, जो टाइम यहाँ पे शो होगा। साथ में इस क्लॉक में टेम्परेचर भी शो करता है। इवन दोस्तों इस गैजेट के अंदर अलार्म भी सेट कर सकते हो। बस इस मोड बटन को दबाना है और आपको किस टाइम पे अलार्म सेट करना है बस यहाँ पे सेट कर देना है। तो ये टाइम सेट हो जाने के बाद मोड बटन पे क्लिक करो और ये जैसे टाइम आ जाएगा अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर यहाँ पे एक स्पीकर है, स्पीकर को ऑन रखिएगा। सो गाइस ये गैजेट मुझे अमेजिंग लगा, आपको कैसा लगा प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ये रहा हमारा दूसरा गैजेट। गाइस अमेजोन पे गैजेट सर्च करते करते एक अमेजिंग सा गैजेट मिला और ये गैजेट आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो। सो ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिलता है, नहीं इस तरह से, छोड़ो यार लगा के देखते हैं। सो ये गैजेट कुछ इस तरह से दिखता है और इस तरह से आपको लगा देना है। तो गाइस ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से ना होता है, ये देख सकते हो। बट ये लेफ्ट हैंड वाला है, राइट हैंड वाला परचेस करोगे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा प्राइस, 250 रुपीस हो जाएगा, लेकिन ये 199 का है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए लाया। गाइस मानो या ना मानो ये गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि अगर आप लोग रात में कुछ रिपेयर कर रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो उस टाइम भी इस गैजेट को यूज कर सकते हो, एज वेल एज आप इस गैजेट को जब साइकिल राइडिंग करोगे उस टाइम भी इस गैजेट को यूज कर सकते हो। तो देखा जाए तो इस गैजेट को आप काफी जगह में यूज कर सकते हो। सो इस ग्लव्स फ्लैशलाइट में आपको एक स्विच मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे एक डिवाइस मिल जाता है जिसमें सेल इंसर्ट करना होता है। जैसे सेल खत्म हो जाता है आप रिप्लेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, जैसे हम इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ऊपर देख सकते हो इस तरह से लाइट ऑन हो जाएगा। रात में आप कुछ भी काम आराम से कर सकते हो, काफी ज्यादा ब्राइट है, और काम खत्म होने के बाद इसको ऑफ करके भी रख सकते हो। तो दोस्तों इस गैजेट का प्राइस के हिसाब से एज वेल एज इस गैजेट का यूजेस के हिसाब से मुझे काफी यूजफुल लगा। और दोस्तों ये गैजेट काफी ज्यादा लाइट वेट है, आपको पता भी नहीं चलेगा हाथ में कुछ लगा हुआ है, और इस गैजेट को हाथ में लगाने के बाद देख सकते हो काफी कूल भी लगता है। सो गाइस ये गैजेट मुझे काफी यूजफुल लगा, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी दोस्तों चलिए नेक्स्ट गैजेट की ओर मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट गैजेट की ओर मूव करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे हेल्प करना चाहते हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। ये रहा हमारा सबसे पहला गैजेट जिसे मैंने अमेजोन से परचेस किया। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं इसके अंदर है क्या चीज। अच्छा डाटा केबल किट। दोस्तों ये गैजेट काफी काम आने वाला है और इस गैजेट का नाम है डाटा केबल स्टोरेज किट, और ये यूजफुल प्रोडक्ट भी है, यकीन नहीं हो रहा है। चलो निकाल के दिखाता हूँ। और कुछ है क्या? गिफ्ट कार्ड। ये किस लिए? भाई 100 रुपीस का गिफ्ट कार्ड, चलो इसको मैं बाद में देखता हूँ। और ये रहा हमारा मेन गैजेट। सो ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। बाहर से तो ये काफी क्यूट लग रहा है लेकिन अंदर से भी देख लेते हैं। लेट्स ओपन इट। सिम खुल जा। ओ भाई इसमें तो काफी सारा चीजें है, ये तो अनएक्सपेक्टेड है भाई, ये तो मुझे मेकअप बॉक्स की तरह लग रहा है। दोस्तों मैं सोचा था ये खाली बॉक्स आएगा लेकिन इसके अंदर तो पूरा भरा पड़ा है। भाई सीरियसली ये बॉक्स मेरा बहुत ज्यादा काम आने वाला है। गाइस इस गैजेट का और एक अच्छी बात, इस गैजेट के अंदर 60 वाट का फास्ट चार्जिंग सी टाइप डाटा केबल मिल जाता है जो मेरा बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। इवन गाइस ये सभी के लिए मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट होगा। चलिए इसके अंदर क्या क्या चीजें है हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक C-type to C-type डाटा केबल मिल जाता है जिसे आप इस USB को यूज करके एक चार्जिंग केबल भी बना सकते हो, और ये फास्ट चार्जिंग काम करता है कि नहीं हम देख लेंगे। और एक Type-C to iOS के लिए भी मिल जाता है, और एक Type-C to micro USB के लिए भी मिल जाता है। साथ में एक सिम इंजेक्टर भी मिल जाता है, एज वेल एज माइक्रो सिम के लिए भी एक स्लॉट मिल जाता है, 2 नैनो सिम के लिए भी स्लॉट मिल जाता है। देख सकते हो इसके अंदर कितना सारा चीज है जो की सारी चीजें यूजफुल है। और दोस्तों यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसके अंदर और भी बहुत सारा चीजें है। गाइस अगर अपन पीछे वाला पार्ट को देखे, इस पार्ट को ओपन करने के बाद एज ए मोबाइल होल्डर भी यूज कर पाओगे कुछ इस तरह से, और मोबाइल ही नहीं भाई इसके अंदर टैबलेट भी होल्ड कर सकते हो। अभी दोस्तों लास्ट काम, ये डाटा केबल फास्ट चार्जिंग काम करता है कि नहीं हम एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों किट स्टोर के लिए ये गैजेट अगर लेना चाहते हो तो डेफिनेटली बेस्ट है आपके लिए, और अगर आप लोग फास्ट चार्जिंग के लिए लेना चाहते हो, फास्ट चार्जिंग अच्छी तरह से काम नहीं करता है जितना एक्चुअल डाटा केबल काम करता है। दोस्तों फास्ट चार्जिंग तो काम करता है लेकिन उतना स्पीड से काम नहीं करता है जितना एक्चुअल डाटा केबल काम करता है। अगर आप लोग लेना चाहते हो डेफिनेटली इस गैजेट को आप कंसीडर कर सकते हो, बहुत सारा चीजें सेफ रहेगा। एंड फाइनल वर्ड, गो फॉर इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। दिस इज 3-in-1 मल्टी प्लग, और ये गैजेट आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। और तो और ओनली 95 रुपीज में इस गैजेट को अमेज़न से ऑर्डर कर पाओगे। ओके ये कैसे यूज करना है? तो ये गैजेट हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। सबसे पहले इस सॉकेट के अंदर हमें
एक एलईडी मिल जाता है जिससे इंडिकेट करता है इसके अंदर करंट पास हो रहा है कि नहीं। अभी गाइस आप लोग सोच रहे होंगे इस मल्टी प्लग को कैसे हमें यूज करना है। सबसे पहले तो हमें एक स्टैंड मिल जाता है, जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं उस टाइम मोबाइल को प्लेस करने के लिए जगह नहीं मिलता, तो हम इस सॉकेट के अंदर भी मोबाइल डायरेक्टली होल्डर मिल जाता है, इस होल्डर में रख के मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अभी इस गैजेट का दूसरा काम, सामने की तरफ 3 स्टैंड एक सॉकेट मिल जाता है, साथो साथ हमें यहाँ पे 2-2 सॉकेट मिल जाते हैं, एक ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में। अभी ये था तीसरा काम। सो बस इस गैजेट के अंदर एक साथ 3-3 काम कर सकते हो, तो ये गैजेट मुझे काफी पसंद आया। अगर आप इस गैजेट को परचेस करना चाहते हो अमेजोन से लगभग 95 रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मेरा बेस्ट देने की कोशिश किया। अभी दोस्तों अगर आप लोगों का कुछ सजेशन गैजेट्स है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, आपको बस आइडिया होगा, पैसा मेरा होगा, मेरा ही गैजेट होगा। सो गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ही जरूरत।